दोस्तों अभी मैंने अपने बालों को कंघी नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जब अपने बालों को वॉश करके आते हैं या फिर अगर हमारे जो बाल है वो एक दिन बिना कंघी के रह जाएं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और फिर हम उसे अच्छे से कंघी भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम कंघी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे हेयर में जो कंघी है वो फंस जाती है और हमारे हेयर में बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि अगर आपने भी अपने हेयर को अभी अभी वॉश किया है और आप कहीं जाना चाहते हो, अपने हेयर को कंघी करना चाहते हो, या फिर आपकी जो हेयर है वो एक दिन के लिए छूट गए हैं बिना कॉम किए हुए और आपके जो हेयर है वो आपस में उलझ गए हैं, तो आप इन्हें बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी दर्द के कंघी कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली है कॉम, जिसकी जो एक साइड के जो इसके टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं एंड एक साइड के जो टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छोटे हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी बड़े दांतों वाली कंघी की साइड से। सबसे पहले मैं अपने हेयर के पार्टीशन करूँगी कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये पार्टीशन कर लिए है, जबकि ये जो मेरे सामने के हेयर है ये ज़्यादा आपस में नहीं उलझे हुए हैं, लेकिन जो पीछे के हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं सेकंड पार्टीशन करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से यू नो एक साइड कर लिया है। अब क्या करूँगी, मैं अपने हेयर को नीचे से कॉम करूँगी। हम जल्दबाजी में अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी हमारे बाल एक दूसरे से उलझे होते हैं तो हम जल्दी से ऊपर से कंघी करना स्टार्ट करते हैं, और जिससे कि हमारा जो हेयर फॉल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारे हेयर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और अगर जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे हमारे जो हेयर की डेंसिटी है वो भी कम होती है और हमारे हेयर जो होते हैं भी काफ़ी यू नो रूखे सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। बार बार अगर हम उसे कंघी से उनको हर्ट करेंगे, तो सिंपली आपको बहुत ही आराम से नीचे से कॉम करना है कुछ इस तरह से। नीचे से जब हम थोड़े थोड़े बालों को लेकर कॉम करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपके हेयर में जो कॉम है वो हो जाएगी, आपके बालों में कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, आपके कोई भी बाल नहीं झड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से हम कंघी करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम टाइम में इस वाले पार्टीशन पे जो कंघी है वो हो चुकी है। अब आते हैं हम इस साइड में, तो इस साइड में भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर हम छोटा सा पार्टीशन कर लेंगे और सेम हम नीचे से कॉम करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। छोटे छोटे हम यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में अपने बालों में कंघी करेंगे कुछ इस तरह से, बस नीचे से लेकर आपको ऊपर की तरफ को कंघी करनी है। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर इस साइड के हेयर में भी मेरे कंघी हो चुके हैं। पूरे हेयर में यही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, आप पीछे के हेयर में भी सेम इसी तरह से करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में, वैसे मुझे भी ये आदत है, मैं आप देख रहे हैं जब भी मैं कॉम उठा रही तो ऊपर से ही कंघी कर रही हूँ, तो ऐसा हमें नहीं करना होता है, अपनी आदत को हमें चेंज करना होता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे अपनी इस आदत को चेंज करूँ और अपने हेयर को जो है बहुत ही प्यार से रखूँ और बहुत ही प्यार से इन्हें कंघी करूँ, ताकि जो मेरा हेयर फॉल है वो भी कम हो जाए और मेरे जो हेयर है वो पूरी तरह से हेल्दी रहे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर कंघी कर रही हूँ। सो गाइज, मेरी यहाँ पर जो कॉम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अपने हेयर में अच्छे से कॉम कर ली है, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंघी पर जो है सिर्फ यही 3-4 बाल आए हैं, जबकि पहले मैं कंघी करती थी सिंपली ऊपर से कंघी करती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था और बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे। अगर आप इस तरीके से अपने हेयर में कंघी करोगे तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा और आपके जो हेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।